प्रयागराज से बड़ी खबर, डॉक्टरों की घोर लापरवाही आई सामने। प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया मौसम्बी का जूस। प्लेटलेट्स के नाम पर डॉक्टरों ने चढ़ाया मौसम्बी का जूस। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान, अस्पताल को कराया सील। घूमनगंज के ग्लोबल हॉस्पिटल के खिलाफ हुई कार्यवाही, डॉक्टरों की घोर लापरवाही आई सामने। प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया मौसम्बी का जूस। प्लेटलेट्स के नाम पर डॉक्टरों ने चढ़ाया मौसम्बी का जूस। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, डॉक्टरों की घोर लापरवाही आई सामने। प्लेटलेट्स की जगह पर चढ़ाया मौसम्बी का जूस। पूरे मामले का डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। ट्वीट कर पूरे मामले के यहां पर संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर प्रयागराज से, डॉक्टरों की घोर लापरवाही आई सामने। प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाया मौसम्बी का जूस। प्लेटलेट्स के नाम पर डॉक्टरों ने चढ़ाया मौसम्बी का जूस। खबर प्रयागराज से, जहां पर डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ हमारे प्रयागराज संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही, जहां पर मरीज की जान के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, प्लेटलेट्स की जगह पर मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया, क्या कुछ पूरी घटना? जी बता दिया, ये ग्लोबल हॉस्पिटल का मामला है और आपसे बता दें प्रयागराज में जो प्रयागराज के दूर दूर की जनता आती है, कम से कम प्रयागराज जो सिटी है और वहां से गांव के इलाके के जो जनता आती है, कम से कम 40 से 45 60 किलोमीटर की लंबी दूरी से चालान करके आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो डॉक्टर क्या सोचते हैं कि गाँव के आदमी है, इधर कुछ भी कर दे, कोई पता नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ है। और उसके बाद आपसे बता दें कि जो जो गरीब जनता होती है, जो गरीब किसान होते हैं, वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बच जाएंगे, वो चाहे खेत बेच करके दें, चाहे गहना बेच करके दें और चाहे जैसे भी दें, लेकिन पैसा डॉक्टर के मुंह मांगा देते हैं। लास्ट में क्या होता है, यही होता है जैसे कोविड में होता था वैसे कहानी आज डेंगू जैसे महामारी से भी हो रही है कि जनता जाती है, कहीं उन्हें लेटाया तो नीचे लेटा के दवा सुई करते हैं, कहीं जहाँ दवा का स्टोर होता है वहां लेटाया दिखाई देंगे और वही कहानी यहाँ की बनी। यहाँ पे जूस चढ़ा करके आज उस वो जिस जिसे चढ़ाए वो एक्सपायर हो गया है और कुछ ही दूर पे सीएमओ ऑफिस पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं पड़ता, कुछ दूर पे सीएमओ ऑफिस पड़ता है। क्या सीएमओ के संज्ञान में नहीं था? क्या डिप्टी सीएम, जो डिप्टी सीएम अगर ले संज्ञान तभी कार्रवाई होगी, इसके पहले क्या कार्रवाई नहीं हो सकती थी? अगर ये अगर ये जो आला अधिकारी वहां जांच करते, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो उन पे जांच करते दिखाई दे तो आखिर ऐसा क्यों होता? ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने जो सरकारी विभाग में है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है कि जो वहां तक नहीं पहुंचे कि आज इतनी बड़ी घटना घटी। और वहां पे हर हर दिन हर कोई ना कोई नेता आता रहता है, कोई ना कोई अधिकारी वहां पे बड़े बड़े अधिकारी घूमते रहते हैं, लेकिन किसी के संज्ञान में मामला नहीं था। आज क्या हुआ, वो मासूम की जान चली गई है। अब क्या हो रहा है, आपको अभी अब सीज कर दिए हैं, वही डॉक्टर आज नहीं तो कल यहाँ से कहीं और जा करके उसी डिग्री पे काम कर लेगा, लेकिन उसे डिग्री उससे क्या हुआ, मुकदमा चलेगा, कुछ होगा नहीं, लेकिन जो गरीब आदमी जो खत्म हुआ उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। और हॉस्पिटल को सील कर दिए हैं, सील करने से क्या होता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जनता की मांग है, यही कहना है, लेकिन सुनने वाला कौन, सुनने वाला कोई नहीं है। जी राहुल, बड़ा सवाल, डिप्टी सीएम पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं, लेकिन वहीं प्रयागराज में सीएमओ जो है वहां के, उनको इस पूरे मामले की भनक तक नहीं रहती है, लेकिन अब डिप्टी सीएम के संज्ञान लेने के बाद किस तरह की कार्यवाही विशेषकर डॉक्टर के ऊपर की जाएगी या की जा रही है? राहुल जी आपसे बता दें, कल शाम को जब डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद यहाँ के जो प्रशासन अमला है उसके उथल पुथल मची और तब तत्काल जा करके जो कि फोन भी स्विच ऑफ है, भी सीएमओ अगर सीएमओ गुरु नानक शरण जी है, अगर उनके फोन मिलाया जाए तो कांटेक्ट नहीं हो सकता, कोई अगर कोई पत्रकार पूछना चाहे कि इस घटना के बारे में कोई जानकारी दे, कोई जानकारी देने तैयार नहीं है। और उसके बाद तक कार्रवाई है, हर जगह क्या डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ही कार्रवाई करवाएंगे,
अगर वीडियो वायरल नहीं होता, उनके संज्ञान मामला नहीं जाता, तो क्या ये सीएमओ साहब क्या कर रहे थे? सीएमओ साहब बैठे थे, सिर्फ देख रहे थे, और उनके संज्ञान में जब वायरल वीडियो हुई और वायरल वीडियो में गई उनके पास, उन्होंने ट्वीट किया कि इस मामले को संज्ञान लिया गया, इस पर कार्रवाई हुई, तब जाके सीएमओ विभाग की टीम पहुंची है और कार्रवाई करते दिखाई दी है। इसके पहले कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और जबकि वहां से आपने बता दे लमसम लमसम 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में सीएमओ ऑफिस है, जो सीएमओ कार्यालय है, जहां सीएमओ बैठते हैं, लेकिन सीएमओ साहब के संज्ञान में ये मामला नहीं था। वो मामला वायरल होते होने के बाद वो उनकी नींदें खुली और वहां जाकर कार्रवाई करे। जी राहुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह खुलासा कैसे हुआ कि प्लेटलेट्स की जगह पर मौसम्बी का जूस चढ़ाया गया है? जी जी, आपसे बता दें कि ये किसी के जरिए से ये वीडियो बनाया गया था। ये वीडियो हो सकता है, जहां तक ये बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्टाफ से ही वीडियो बनी थी, वो वीडियो वायरल हुआ, वायरल वीडियो बढ़ते बढ़ते कहां गया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पास गया, तो जाकर उन्होंने संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद प्रयागराज के आला अधिकारियों को दिया, आला अधिकारी तब जागे हैं और जाके तब जाकर कार्रवाई किए हैं। जी राहुल, अस्पताल को सील कर दिया गया है। चलिए राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से, जो कि पूरे मामले को लेकर प्रयागराज में जिस तरह से एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है, प्लेटलेट की जगह पर मौसम्बी का जूस चढ़ा दिया गया, लिहाजा मरीज की मौत हो गई। हालांकि पूरे मामले का संज्ञान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया है।